हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड में रीजनिंग पार्ट की, जिसमें सेटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं और 6 to 7 अप्रॉक्स आपको मिल जाते हैं। तो अरेंजमेंट में दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, चलिए बताते हैं। एक लीनियर रो में जो अरेंजमेंट होता है, इसमें राइट एंड लेफ्ट, ओके। और अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो दिस इज़ राइट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा एग्ज़ाम में, कि कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। मीन्स कितने बंदे हैं? तीन तीन एक साथ बंदे। एफ इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई। इमीडिएट राइट मीन्स होता है तुरंत बाद, ठीक है। अगर पॉइंट में कह रहा है एफ इज़, अगर पॉइंट में कह रहा है एफ इज़ इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो तुरंत बाद, मतलब एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये हो गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी इज़ द नेबर ऑफ बी एंड डी। अब सी बी एंड डी का नेबर कैसे हो सकता है? एक ये हमारे पास मिल गया, कह रहा है सी नेबर ऑफ बी एंड डी। सेकेंड, सी तभी नेबर हो सकता है अगर बी और डी के बीच में हो। तो ये बी यहाँ पे भी हो सकता है और ये भी, हमारा डी भी, ये एक पोजीशन हो गई, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, इनकी पोजीशन हमें अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, द पर्सन हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज़ ऑन वन ऑफ द एंड। तो अभी हम इस पॉइंट को एकदम क्लियरली नहीं बता सकते, इसलिए हमें सारे पॉइंट्स को एक बार फिगर आउट करना पड़ता है। इज़ द फोर्थ टू द राइट ऑफ जी। अब जी के राइट में फोर्थ पोजीशन पे ई है, हमारा थर्ड क्या हो गया, मतलब सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि ये हमारा एक पॉइंट पे जी है, उसके फोर्थ पॉइंट पे, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे क्या है, ई है। ई के इमीडिएट राइट में हमने ये चीज़ देखी, इसको हमने पुट कर दी, ये हो गया 5 पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे था, मतलब जी से अगर हम कैरी करेंगे तो फोर्थ पोजीशन पे ई होगा, उसके बगल में ये हो गया हमारा एफ, ठीक है। पोजीशन तो ये हो गई, और हमें ये कितने ब्लॉक का सेंटेंस, ये कितने ब्लॉक के लेटर्स हैं, ये 3 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक यहाँ पे हो गए। अगर हम इसके आगे 3 ब्लॉक लेंगे तो यहाँ पे ये स्पेस रह जाएगी, मतलब इनको भी हमें फिल करना है, और ये 3 ब्लॉक हम डायरेक्टली इसमें पुट इनटू कर सकते हैं। सी तो हमें यहाँ पे रखना है, यहाँ डी और बी में से कुछ हो सकता है और यहाँ डी बी में से कुछ भी हो सकता है, अभी हमें इनकी डायरेक्शन नहीं क्लियर है, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या कह रहा था, द पर्सन हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज़ ऑन वन ऑफ द एंड्स। सो अगर हम डी यहाँ पे रखेंगे तो इसकी थर्ड पोजीशन 1 2 3 मीन्स जी ये हो गया, ठीक है, और मीन्स बी यहाँ पे आएगा। बचा क्या हमारे पास, ए, हमने सारी पोजीशंस को पुट इनटू कर दिया। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 सबको पोजीशन दे दी, ठीक है, हमें ये एक क्लियर पोजीशन मिल गई। हम इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए। ए की पोजीशन क्या है, बिटवीन ए एंड डी एट द राइट एंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, नन ऑफ द अबव। चलिए देखिए कौन सी पोजीशन है, ये हमारा राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो क्या है, एक एंड पे आ रहा है ना ए, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं पहले अपने टाइम अपने एंट्रेंस के टाइम पे सॉल्व कर चुकी हूँ, इसलिए पहले से आंसर्स टेक हैं एट द राइट एंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ डेफिनेटली ट्रू। अब देखिए, डी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ई इज़ बिटवीन ए एंड एफ, जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी और नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो पॉइंट्स अब हम क्लियर करते हैं। डी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, देखिए डी क्या सी के तुरंत बाद है, हमें पहला ही ऑप्शन मिल गया, लेकिन हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। क्या ए और एफ के बीच में ई है? नहीं, गलत हो गया, बी ऑप्शन। जी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, क्या इमीडिएट लेफ्ट में है जी? ये ऑप्शन मैंने जो लगाया ये गलत है, ठीक है। देखिए डी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, क्या डी इमीडिएट लेफ्ट है सी के? लेकिन ये तो सी के राइट में है डी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ई इज़ बिटवीन ए एंड एफ, क्या ई ए और एफ के बीच में है? नहीं, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी क्या है, जी इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, क्या जी लेफ्ट बी के तुरंत बाद है लेफ्ट में? तो यस,
देखिए तुरंत बाद में ही है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ सी? तो सी के लेफ्ट में हमें दो वैल्यूज दिख रही हैं, एक ये बी है और एक ये जी है। ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे बी जी लेकिन डी नहीं है इमीडिएट लेफ्ट में, तो मुझे इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, हु इज़ द नेबर ऑफ बी? बी के नेबर कौन कौन से हैं? तो दिखा देती हूँ मैं आपको, बी के नेबर कौन कौन से, सी और जी है ना, यहाँ पे देख लेते हैं। सी एंड जी हमें आंसर मिल गया, एफ एंड जी नहीं था, सी डी नहीं था, बहुत दूर पे है, जी एफ भी नहीं है। सी एंड जी हमने ऑप्शंस देखे और हमने अपनी सिटिंग अरेंजमेंट से भी मैच किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स? फॉल्स ही होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेटली ए इज ऑन वन ऑफ द एंड, हमने देखा था ए राइट एंड पे जा रहा था, देखिए ए राइट एंड पे है तो ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू हो गया, यहाँ पे ये ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के तुरंत बाद ई है, तो देखिए ई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी नहीं, डी के इमीडिएट राइट में ई है, ई के इमीडिएट लेफ्ट और ये राइट, तो ये ऑप्शन फॉल्स है। जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हाँ देखिए बी के लेफ्ट में जी है तुरंत बाद, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, क्या डी से सेकेंड पोजीशन पे है उसकी राइट में, एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, देखो वन यहाँ से देखते हैं वन और टू, तो एफ इसकी सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो क्या पूछा गया था, डेफिनेटली फॉल्स, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी।